जिंदगी है तेरे आगे खड़ी। जागो दुनिया, जागो जागो, जागो जागो, जागो दुनिया, जागो जागो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जागो दुनिया के साथ आपका प्रोग्राम, आपकी होस्ट ज़ैनब कय्यूम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आपकी अभी तक सुबह अच्छी जा रही थी और हमारी यही उम्मीद रहेगी और कोशिश रहेगी कि आपकी आपका पूरा दिन अच्छा गुजरे। इस वक्त बहुत से करंट अफेयर्स हैं, हम महंगाई के ऊपर भी बात कर सकते हैं, हम लोड शेडिंग, गैस, इलेक्ट्रिसिटी की भी बात कर सकते हैं, हम महंगाई, मतलब कि बहुत से इशूज़ हैं, लेकिन एक ऐसा जो नया ताज़ा तरीन जो हमारे पास जो इशू है वो बाकी सारे अफेयर्स को, सारे इश्यूज को उनके ऊपर ग्रहण लगा रहा है, और वो है जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, तफसीली फैसला है एनआरओ के ऊपर। जो सदर होते हैं मुल्क के, वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में वो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक अथॉरिटी उनसे भी ज़्यादा बड़ी है जिनको उन्होंने ना सिर्फ उसकी इज्जत करनी है लेकिन उसको फॉलो भी करना है। अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस तफसीली फैसले के बाद, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन खुल्लम खुल्ला इसको, इसके ऊपर तस्करा करना है, क्योंकि अगर एक कमरे में नीला हाथी हो तो कौन उसको इग्नोर करेगा, उसके बारे में बात करनी है, और इंशाल्लाह ये सब मसला हल हो जाएगा, इंशाल्लाह एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की लड़ाई नहीं होगी, इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। हम इसी चीज़ की दुआ करते हैं, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का। मेरे साथ सीनियर न्यूज़ एनालिस्ट बैठे हुए हैं डॉक्टर अजमल नियाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइए क्या होगा पाकिस्तान का? असल में जी, मेरे ख्याल में ये अदलिया की बरतरी का एक सबूत है। बिल्कुल। कि मसलन जो फैसले आ रहे हैं जी, लोगों का पहले से ख्याल था कि ये फैसला आएगा जी, और वो दिल से इसको मान रहे हैं और कबूल कर रहे हैं, ये हमारी अदलिया की एक बहुत बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमें अदलिया पे एतमाद है और हम समझते हैं कि आज़ाद अदलिया है, तो फिर वो जो फैसला करे हम उसको कबूल करें। अवाम तो करेगी। हाँ, अच्छा, अवाम तो करेगी ना, उनको भी करना पड़ेगा। हुक्काम, अवाम और हुक्काम, और अवाम और हुक्काम के दरमियान जब फैसला ख़त्म हो जाता है तो फिर कोई बात बनती है। अब देख रहे हैं, ये फैसला बड़ा अजब है, इस पर जो टेक्निकलिटीज़ हैं और जो जिस तरह आपने बहुत संजीदगी से और बहुत, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस वाला है ना मसला। हाँ, लेकिन इसमें एक रिलैक्स होने वाली बात भी है। मसलन ये पहला फैसला है जिसमें अशार हैं, जिसमें रूमी की हिकायात हैं, जिसमें वासिफ़ साहब की कोटेशन है, शाबनामा, हिकायत रूमी की बात, जिसमें जदीद व कदीम दानिश को मिलाकर पेश करने की बात की गई है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि हमारे जज जो हैं वो ज़ौक़ व शौक़ के मालिक हैं। एक सीनियर न्यूज़ एनालिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, खालिद मसूद साहब, वो एनआरओ पे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी देखे, मैं तो बड़ा सीधा सा मौकफ हमारा डे वन से, जिस दिन से एनआरओ जारी हुआ है, हम तो यही कह रहे हैं कि पहली बात यह है कि ये जो एनआरओ है ये पाकिस्तान के आईन की बेसिक जो राइट्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है जी। वो इसलिए कि पाकिस्तान के आईन जो, वो तमाम अफराद को, मुल्क के जितने भी लोग हैं, अवाम है, 18 करोड़ अवाम है, इनको इक्वल राइट्स देता है जी। जब इसमें पिक एंड चूज करते हैं कि ये फलां 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 आदमी तो जो है वो तो आईन से और कानून से हर चीज से बाला तर है और उसको उसके तमाम जराइम की माफी है, तो मेरा ये सवाल एक बुनियादी तो ये है कि जो बाकी वो लोग जो बेआसरा बेवसीला लोग हैं और वो जेलों में छोटे छोटे जराइम में पड़े हुए हैं एक अरसे से, सालों से वो जो लोग कैद में है, उनका क्या कसूर है? और ये जो साहिब इक्तदार लोग हैं, ये कानून बनाने वाले, ये तो लोगों को रिलीफ देने के लिए दूसरे लोगों के लिए बैठे हुए हैं, ये खुद रिलीफ ले रहे हैं और दूसरे लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो ये जो पिक एंड चूज का मामला है और ये जो दो कवानीन का इतलाक है एट ए टाइम मुल्क में, ये तो ये वैसे आइन की खिलाफ वर्जी थी। दूसरी बात यह है कि किसी किस्म की करप्शन को या किसी किस्म के जो फौजदारी जराइम है उनको बयक जुम्बश कलम कोई हाकम जो है, कोई साहिब इक्तदार जो है वो खत्म नहीं कर सकता और ना करना चाहिए था। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत। और मेरा ख्याल है कि जो हमारी आवाम है
वो बहुत बहुत अवेयर है, वो जाग चुकी है और वो अब जानना चाहती है कि अब आगे क्या होगा। जो इंडिया प्रीमियर लीग है IPL, उसमें एक भी पाकिस्तानी क्रिकेटर को सिलेक्ट नहीं किया। हमारा जो आज का सवाल है ये भी हम साथ साथ सब कुछ को लेकर चलेंगे। दुनिया क्या कहती है, जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि IPL में पाकिस्तान खिलाड़ियों से इम्तियाजी सलूक के बाद क्या पाकिस्तान की आवाम यानी आप लोग को इंडियन प्रीमियर लीग का बॉयकॉट करना चाहिए, हाँ या ना? हमें जवाब दीजिए पूरा दिन ट्रांसमिशन में। आप कॉल कीजिए, SMS कीजिए 6622 पे, या आप वेबसाइट पे जाकर अपना ओपिनियन बताइए, या फिर आप हमें ईमेल करें। मैं आपको एड्रेस भी बता देती हूँ, jago@duniatv.tv। कल जो हमारा सवाल था, हम उसकी भी ओपिनियन पोल के अवाम ने हमें क्या वापस ओपिनियन दिया है, क्या मौजूदा हुकूमत को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर फौरन अमल करना चाहिए, हाँ या ना? तो 77% ने कहा कि हाँ करना चाहिए फौरन से पेशतर, और 23% ने कहा कि नहीं। अच्छा, ये दोनों को करना चाहिए, यानी जरदारी को भी करना चाहिए और शरीफ बिरादरान को भी करना चाहिए। वो दोनों के बीच में ही तो बिल्कुल बिल्कुल PPP और PMLN के बीच में है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अंदर दोनों जरा अनकंफर्टेबल। अच्छा, ये सवाल ना आपने बड़ा मजेदार किया कि वो IPL की तरफ से किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं लेगा। 20-20 स्टार्स हैं, टेस्ट सीरीज जब होती है तो उसमें वो जरा थोड़े से मसले हो जाते हैं। अच्छा, इसमें बात है कि इंडिया की जो दुश्मनी है जी, इंडिया की जो नफरत है पाकिस्तान के साथ, वो बड़ी गहरी है, पाकिस्तान में भी है, देरपा और लंबी है। मैं कहता हूँ कि दोनों मुल्कों का क्याम जो है वो दुश्मनी पर है, दोस्ती पर नहीं है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने गौ माता के दो टुकड़े कर दिए, उन्होंने दिल से तस्लीम ही नहीं किया पाकिस्तान को कभी। तो ये ज्यादती की बात है। मैं समझता हूँ कि हमारे खिलाड़ी जो हैं उनकी परफॉर्मेंस पिछले चंद मैचों में अच्छी नहीं रही, लेकिन बहरहाल 2020 में तो वो जीते हैं ना, बिल्कुल चैंप्स हैं। और वर्ल्ड कप पीछे था इन्होंने एक जमाने में। नियाजी साहब, उसके साथ साथ फनकार और जो खिलाड़ी हैं के स्पोर्ट्स और जो फन है उसकी कोई बॉर्डर्स और बाउंड्रीज नहीं होती जी जी, कि वो पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर होता है। हाँ जी, कि आप जितने अच्छे हैं आप अपने फन का मुजाहिरा कीजिए जी, जी, और एंटरटेनमेंट तो ये बीच में, लेकिन उसमें भी तअस्सुब आता है ना। मैं समझता हूँ कि जो परिंदे हैं वो तो इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं, जो नेचर की चीजें हवाएं चलती हैं उन पर कोई वीजा वगैरह नहीं लगता, मगर जब सर्दी होती है तो वो कभी नॉर्थ की तरफ नहीं जाएंगे, वो साउथ ही माइग्रेट करेंगे। अच्छा चलो, इधर लहर तो नहीं आई अभी, अभी आने वाली है। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ियों की भी बेहतर होनी चाहिए। मैं तो ये जो शर्मनाक है इनकी शिकस्त ऊपर तले बहुत सारी, वो ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में मैच हो रहा था तो कहा गया जी पाकिस्तान हार गया, मगर सुने बात तो सुने, नहीं देखिए तो पता क्या, नहीं बात सुने ना। अच्छा, मैं बात बताइए। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तो खेला ही नहीं है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ना भी खेलता भी वो हारेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जीता भी है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी जीता है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी है, बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाड़ी रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, बिल्कुल। उन्होंने अगर एक भी खिलाड़ी को नहीं लिया तो ये तअस्सुब है, ये नफरत है, ये दुश्मनी है। और देखे ना, अब हमारे मुल्क से एक खास तबके से अमन की आशा के नाम पर एक प्रपंडा किया जा रहा है, एक मूव चलाई जा रही है, तो ये ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि भाई पहले तो तुम मामलात को ठीक करो, दो आदमी जो हैं वो लड़ाई की कैफियत को ख़त्म करेंगे तो तब दोस्ती होगी ना। सर, उनमें शुक्रिया आपका बहुत बहुत आने का। Jago, jago, jago.